हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं लग रही है। मनाली में हुई जमकर बर्फबारी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं एक और ट्रेंड यहां तेजी से बढ़ रहा है, यहां जमकर शादियां भी हो रही हैं। शादी को यादगार बनाने के लिए अब दूल्हा दुल्हन मनाली का रुख कर रहे हैं और माइनस तापमान में सात फेरे ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही दिल्ली के अखिल और सुंदर नगर की आस्था ने किया। दरअसल मनाली में इस अनोखी शादी का प्लान दुल्हन ने किया था। दोनों ने मनाली के माइनस डिग्री तापमान में सात फेरे लिए और सबको हैरान कर दिया। ये शादी दो दिन पहले हुई है। दूल्हा दुल्हन ने बर्फ से ढके सोलांग नाला के एक निजी होटल में शादी रचाई। इस दौरान यहाँ काफी साज सजावट भी देखी गई थी। कुल्लू मनाली में बीते कुछ समय से बर्फबारी के बीच मौसम बेहद सुहाना है। सभी मनाली की वादियों में डेस्टिनेशन वेडिंग करना पसंद कर रहे हैं। बीते दिनों जहाँ गुजरात के एक जोड़े ने शून्य तापमान के बीच विवाह रचाया था, तो वहीं अब इस नए जोड़े ने यहाँ शादी की है। इस अनोखी शादी में हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर की रहने वाली बेटी आस्था ने ही अपनी शादी की प्लानिंग की थी। वो बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच खूबसूरत वादियां जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ हो उस स्थान पर विवाह करना चाहती थी। ऐसे में दिल्ली के रहने वाले अखिल के साथ सोमवार को हिमाचल की आस्था ने बर्फ के बीच मंडप में सात फेरे लिए। सात फेरे लेने के लिए मंडप पर आते ही दुल्हन के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। रेड कारपेट में लाल रंग का लहंगा पहने आस्था मंडप तक पहुंची। इस दौरान परिवार के सभी करीबी रिश्तेदार भी यहां मौजूद रहे। यही नहीं, बीते रविवार को भारी बर्फबारी के बीच दूल्हा दुल्हन सहित सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने यहां हल्दी और अन्य फंक्शन भी अटेंड किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।